हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने आपको कुछ प्रश्न जो हैं वो दिखाए थे कि हम लोग तैयारी जो है कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक बुक से कर रहे हैं, जहाँ से आपका जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना रहा है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सिलेबस से बाहर आता है, एक भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं आया है, सभी प्रश्न जो है वो सिलेबस से ही पूछे गए हैं। और प्रश्न की जो संख्या है वो हाँ थोड़ी सी फेरबदल हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कितने प्रश्न जो हैं किस सब्जेक्ट से आए हैं, जिसकी बात मैंने आपको बताई थी कि डिटेल में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो आएगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी वन नंबर पर कि भारत और राजस्थान का जो इतिहास, इससे केवल कितने प्रश्न आए हैं, तो 15 प्रश्न इन्हीं में से आपके आए हैं। ठीक है, 75 में से 15 प्रश्न जो हैं वो आपके कहाँ से आए हैं, भारत और राजस्थान के इतिहास से। और भारत के इतिहास से भी मैंने आपको बता दिया, एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, सिलेबस तो काफ़ी दे दिया था इंडिया का, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपके राजस्थान इतिहास से ही आए हैं। ठीक है, और ये जो इतिहास के प्रश्न हैं वो किससे संबंधित रहे हैं, एक तो किसान आंदोलन, जो आगामी परीक्षाएं होंगी अब आगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। फर्स्ट ग्रेड वाले जो बच्चे आप पेपर देंगे तो ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको पढ़ते जाएं। ठीक है, हो सकता है आपके जो है एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आ जाए और एक एक नंबर के लिए जो है वो आप दौड़ से पीछे भी हो सकते हो और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है, यहाँ अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि एग्जामिनर जो है किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एक तो किसान आंदोलन है और कुछ इम्पोर्टेंट जो पुस्तकें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, ये आप देखें। और एक मेवाड़, मेवाड़ जो है इससे अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपके राजपूत शासन काल जो है उसमें मेवाड़ से जो है क्वेश्चन आप देखने को मिले हैं। ठीक है, और कांग्रेस का जो अधिवेशन है वहाँ से प्रश्न उठाया गया है। तो एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न लेता है, ये चीज़ जो है वो हम थोड़ा सा तो आइडिया लगा ही सकते हैं, जो भी आगे क्वेश्चन पेपर जो आएंगे आप लोगों के जो पेपर हैं वो लगातार चलेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ और उसके बाद सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल से, केवल सभ्यता स्थल से ही जो है वो 3 प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो सामाजिक और धार्मिक जो पुनर्जागरण है यहाँ से प्रश्न आए हैं। ठीक है, महान विचारकों के जो विचारों से प्रश्न आए हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता कि ये भी प्रश्न एग्जामिनर दे सकता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि जो भी कथन होते हैं किसी के भी कहे हुए वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये तो रहा भारत और राजस्थान के इतिहास से 15 प्रश्न, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है राजस्थान इतिहास का ही रहा। सिलेबस में तो इंडिया का जीके जो हिस्ट्री जो है वो भी आपकी काफ़ी दी हुई थी, वहाँ से प्रश्न बहुत कम आए। सेकेंड जो है राजस्थान की ज्योग्राफी, तो यहाँ से कुल कितने प्रश्न आए, 11 प्रश्न। कितने प्रश्न आए, 11 प्रश्न आए आपके ज्योग्राफी में से। और वो भी किस में से पूछे गए, ये प्रश्न जो पूछे गए एक तो जनगणना से ही पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन तो जनगणना से ही पूछ ले, 2 प्रश्न तो पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने वो आपको दिखाए भी हैं। बालिका स्तूप से जो है वो प्रश्न पूछ लिया गया है, एक प्रश्न जो है वो रेलवे से पूछ लिया गया है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति जो विस्तार है उससे प्रश्न आ गया है, जलवायु है, नदियाँ हैं, ठीक है, परिवहन है और पर्यटन, ये रहा है टॉपिक आपके जहाँ पर एग्जामिनर ने ध्यान दिया है। तो आगे जो भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे इनमें आप ध्यान देना। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हो, चाहे सेकंड ग्रेड का, चाहे थर्ड ग्रेड का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है। मैनेजमेंट प्रबंधन की अगर बात करूँ तो यहाँ से कितने प्रश्न आए, यहाँ से भी जो है वो 11 प्रश्न आए हैं। कितने आए हैं, 11 प्रश्न आए हैं। और यहाँ से जो है वो 2 प्रश्न तो समसामयिकी की दृष्टि से पूछे गए हैं। ठीक है, करंट से ही पूछे गए हैं प्रबंधन में। फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपके जो जीके है किसका, करंट अफेयर, सॉरी जीके नहीं, करंट अफेयर, करंट अफेयर जो है वहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। कितने, 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं मैथ की, मैथ से कितने प्रश्न जो है वो आए हैं,
तो यहाँ से मैथ से 10 प्रश्न आए हैं। कैसे कैसे? एक तो जो है वो मानसिक योग्यता जो है उससे 2 प्रश्न पूछे गए, सांख्यिकी से केवल एक ही प्रश्न पूछा गया, ठीक है। गणित के जो है वो 7 प्रश्न जो है यहाँ पूछे गए। गणित में भी कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? एक तो घन, घनाभ, शंकु, प्राकृत और परिमेय, दशमलव संख्याएँ, ठीक है, और समीकरण से पूछे गए, ये तो 7 प्रश्न। तो मैथ तो मुझे नहीं आता है, तो यहाँ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन जो है वो मैथ से किस किस पॉइंट से आए हैं। साइंस, साइंस में भी आप देख लें, साइंस भी मेरा सब्जेक्ट नहीं, 3 प्रश्न आए हैं साइंस से, ठीक है। और क्या क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता सकती हूँ। एक तो कार्य और ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो देख कर आप लोगों को बताया जा रहा है। एक जैव विकास जो है इससे प्रश्न पूछा गया है, और रासायनिक समीकरण से पूछा गया है। किससे? रासायनिक समीकरण से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, 7 नंबर पर इंग्लिश, इंग्लिश से कितने प्रश्न आए हैं? तो इंग्लिश से तो कुल 5 प्रश्न ही पूछे गए हैं। हिंदी से, हिंदी से पूछे गए हैं 5 प्रश्न। इसके अलावा हमने जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी की बात की, हिस्ट्री की बात की, पॉलिटी से कितने प्रश्न आए हैं? तो अगर बताऊं मैं आपसे, आपको बताऊं कि पॉलिटी से जो है क्वेश्चन आया है, एक तो अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इससे प्रश्न आया है, और एक संसद से प्रश्न आया है, ठीक है। तो और इसके अलावा भी 2 प्रश्न आए हैं, तो कुल 5 प्रश्न जो हैं वो पॉलिटी से पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से 5 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो देखिए कुल 75 प्रश्न जो हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इन 75 में से यदि आप 40 से 45 के बीच में आप करके आए हो, बिल्कुल आप सेफ हो, आप जो है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी 40 से 45 जो है वो क्वेश्चन करके आए हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। और जो बच्चे जो है वो 37 से 40 के बीच में हैं, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर इनको जो है वो रिस्क रहेगा, यहाँ पर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा जो है वो हार्ड नहीं आया है। और देखिए आगामी जो भी आप पेपर दोगे क्वेश्चन, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो है वो आप लोग नेगेटिव मार्किंग में ना जाएं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जो है उस पर जो है वो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें। उसकी वजह क्या है? क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया है, और आसान होने की वजह से जो है वो लगभग बच्चे जो है वो अच्छा स्कोर बना पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा जो है वो कल के क्वेश्चन पेपर से लगा, और हो सकता है आगे भी क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके आसान ही आए। तो इस वजह से जो है वो नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपकी रहेगी 1/3, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो सही, एक नंबर जो है वो सही करते हैं, और 3 क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं, तो आपका ये जो सही है ये भी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हो सके अगर आप रिस्क लेते भी हैं, तो आप 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन जो है यहां पर जो है वो आप रिस्क ले सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो है वो 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब हमको ये लगता है कि ये 2 तो नहीं हो गए आंसर, इन दोनों में से जो है वो डाउट रहता है, ऐसे क्वेश्चन में जो है वो आप रिस्क लेते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम पर यदि पता लग जाता है कि इसका आंसर जो है वो ये होगा या ये होगा, पता नहीं लग रहा है, और सेकंड टाइम जब आप उसको दोबारा से देखते हैं और फटाफट से जो है वो देख लेते हैं, हाँ ये हो सकता है, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन ये भी काम जो है वो 2-3 क्वेश्चन में ही आपको करना है, इससे ज़्यादा में ना करिएगा। कई बार क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पेपर पूरा करने के बाद बच्चों को क्या लगता है, टाइम बचता है तो लगता है कि हो सकता है इनमें से जो है वो ये हो जाए, मेरा एक नंबर सही हो जाए, जबकि हमारा दिमाग जो है अब काम करना बंद कर देता है। अंतिम टाइम में हम क्या करते हैं, अपनी दिल की सुनकर जो है इसको जो है जो गलत होता है उस पर जो है बिल्कुल सही लगाकर और गोला भर देते हैं कि 3 नंबर जो है वो सही होगा। और होता क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होना चालू हो जाती है। जो भी बच्चे जो हैं 40, 41 मार्क्स जो है लेकर आए हैं, और लालच में क्या करते हैं, अपनी दिल की सुनकर, दिमाग तो काम करना बंद कर देता है, जैसे ही आप एक बार अटैम्प्ट कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर, दिमाग आपका चालू रहता है, ठीक है। और जैसे ही दोबारा आप देखते हो फिर आप दिल से काम करते हो, तो यहां पर दिल से काम तो नहीं करना है, मेरी तो ये माननी है आपको। तो 41 तो क्वेश्चन आपने सही किए हैं, अब मान लीजिए जो 6-7 क्वेश्चन जो है वो आप गलत करते हो, तो आपके ये 41 मार्क्स भी नहीं आएंगे,
तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। केवल और केवल 2 या 3 क्वेश्चन में जिसमें आपको लग रहा है 90% कि हाँ ये हो सकता है तो ही आप रिस्क लें, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो हर कोई जो है वो उसको कर जाता है। परिणाम क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो अच्छा स्कोर सभी बना लेते हैं, केवल 1 या 2 मार्क्स जो है यही होते हैं जो कि आपको बहुत से बच्चों से पीछे कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग की तरफ पहले तो क्या है, आपको जाना ही नहीं है, बिल्कुल जाना नहीं है। आपने एक बार जो है वो ठान लिया कि हाँ इसका 4 में से ये आंसर है तो है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई करने वाला होता है उसको उन 4ों में से केवल वो सही आंसर ही नज़र आता है, गलत तो दिखता ही नहीं है। दोबारा में अगर टाइम बचता है और देखना चालू कर देता है तो उसको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये या ये इनमें से कोई सही होगा, और तभी हो जाती है गलतियाँ। ये गलती नहीं करनी है, हर एक के साथ होती है, सभी के साथ होती है ये गलती, ठीक है, क्योंकि एक बार करने के बाद लगता है एक दो क्वेश्चन और ऐसे करते करते जो है वो गलतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। एक बार अटैम्प्ट कर लिया, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको जो है देखें, वरना आप उसको उतना ही रहने दें। जितने आप क्वेश्चन करके आए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना है, ऐसे ही इजी आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्योंकि तैयारी जो है वो आप बहुत अच्छे से करते आए हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।